गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम रूब्रिक्स करेंगे स्टडी के साथ रिलेटेड, स्टडी पढ़ाई करनी बच्चों के साथ रिलेटेड, कि बच्चे पढ़ाई में किस तरह की उनकी हालत होती है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेशन बनती है नहीं बनती है, क्या करते हैं। सो स्टडी के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स करेंगे। सबसे पहला रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड स्टडिंग व्हेन, जब वो स्टडी कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है तो एब्सेंट माइंडेड होता है। एब्सेंट माइंडेड होता है इन अटेंटिव, ध्यान कहीं और है, माइंड कहीं और है, माइंड एब्सेंट है। जहाँ पे वो बैठा है फिजिकली बैठा है लेकिन माइंड उसका एब्सेंट है। और ऐसे करते करते, क्योंकि उसका मन कहीं और होता है, तो वो काम करते करते गलतियां करता है। सो एब्सेंट माइंडेड स्टडिंग व्हेन, इसमें हमारे पास एक मेडिसिन है, दैट इज हेलिबोरस। नेक्स्ट रूब्रिक है एंग्जाइटी स्टडी फ्रॉम, के पढ़ाई के कारण टेंशन होनी, स्ट्रेस होना, पढ़ने की उसको चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है। तो यहाँ पर दो मेडिसिन्स हैं, क्यूप्रम एसिटिकम एंड सिलीनियम। अब हम सबसे बड़े रूब्रिक की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग रीडिंग वाइल, पढ़ते समय, स्टडी करते समय, याद करते समय कॉन्सेंट्रेशन उसकी नहीं बनती, जो उसका ध्यान है वो नहीं लगता, वो मुश्किल में होता है, ध्यान नहीं लगता है स्टडी करते समय, रीडिंग वाइल करते समय, पढ़ते समय, याद करते समय उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत पुअर होती है। बहुत बार मदर्स आके बोलती है कि जब ये पढ़ता है इसका ध्यान ही नहीं होता, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनती, एकाग्रता नहीं बनती, उसमें मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 105 मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन्स स्टडी आफ्टर, पढ़ने के बाद उसको डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स किसी भी चीज़ की परसेप्शन को कह सकते हैं, कोई भ्रम हो सकते हैं, कुछ दिखता है, कुछ बातें इस तरह की उल्टी सीधी बातें करनी, तो पढ़ाई के बाद डिल्यूजन्स होने, जो कि नॉर्मल नहीं होते, डिल्यूजन्स कभी भी नॉर्मल नहीं होते। तो इस रूब्रिक में दो मेडिसिन्स हैं, हायोसेमस एंड नक्स वोमिका। नेक्स्ट रूब्रिक है मेनिया स्टडी फ्रॉम टू मच, ये भी उसकी मानसिक कंडीशन को दर्शाता है। टू मच स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद पेशेंट मेनिया की हालत में चला जाता है, पागलपन की हालत में चला जाता है, मेनियक हो जाता है। तो यहां पर एक ही मेडिसिन है, दैट इज लैकेसिस। नेक्स्ट रूब्रिक है अनऑब्जर्विंग चिल्ड्रन स्टडिंग व्हेन, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब वो अनऑब्जर्विंग होते हैं। ऑब्जर्व करना होता है कि उनको पता लगता रहता है इर्द गिर्द का के क्या है, लेकिन अनऑब्जर्विंग में उनको कुछ ध्यान नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं। अनऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व न करना, ध्यान न देना, इन अटेंटिव, नॉट नोटिस एनीथिंग, ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता। सो इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज बेराइटामियोर। आज का लास्ट रूब्रिक है थॉट्स वॉन्डरिंग स्टडिंग वाइल, के जब वो पढ़ता है उसके जो विचार होते हैं वो बस थॉट्स उसकी घूमती रहती हैं, कभी उधर चला गया ध्यान, कभी उधर विचार किसी और चीज़ का आ गया, कभी किसी और चीज़ का आ गया, जो पढ़ रहा है वहाँ पे ध्यान नहीं है, भटकते विचार, लेकिन थॉट्स वॉन्डरिंग, इधर उधर भागते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए विचार, कभी कुछ दिमाग में आ गया, ये कैसे पता चलेगा। जैसे
मदर पढ़ा रही है बच्चों को या फादर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उससे कुछ बीच में पूछ लिया, उसको पता ही नहीं होता क्योंकि उसके तो विचार ही कहीं और जा रहे हैं। या बच्चा ही खुद पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा है मैथमेटिक्स और बातें करता है, करने लग जाता है हिस्ट्री की कि हमने कल हिस्ट्री में ये किया था। तो जहाँ पे उसको होना चाहिए, उसके थॉट्स होने चाहिए प्रेजेंट, वहाँ पे नहीं है, वो वॉन्डरिंग थॉट्स हैं। स्टडिंग वाइल, पढ़ाई करते समय। इस रूब्रिक में चार मेडिसिन हैं, बैम्बूजा, चॉकलेट, हेमेमिलस, फाइसोस्टिग्मा। इनमें से कुछ रूब्रिक्स तो इस तरह के हैं जो मैं बहुत कॉमनली बच्चों में यूज करती हूँ। दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक।